वेलकम टू मम्मी का खाना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया है। मेरे चैनल का नाम मैंने मम्मी का खाना रखा है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मुंबई का स्ट्रीट फूड कबाब पाव। तवा कबाब बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम मटन का खीमा लिया है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया है। इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे। मसाले कुछ यूँ हैं कि एक टीस्पून चिली फ्लेक्स लिया है, एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, एक टीस्पून कुटा हुआ अखा धनिया लिया है, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है, एक टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर लिया है। इसे हम सब मिला लेते हैं। इसमें हम डालेंगे एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, एक मीडियम साइज का प्याज है जिसको मैंने एकदम फाइनली चॉप किया है, एक टीस्पून लेमन जूस है, एक टेबलस्पून बेसन है जिसको मैंने भूना नहीं है, ऐसे कच्चा ही बेसन लिया है, एक टेबलस्पून है। नमक लेंगे स्वादानुसार, कोथमीर लिया है बारीक का चॉप करके, थोड़ा पुदीना डालेंगे बारीक चॉप करके, एक अंडा डालेंगे, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डालेंगे, दो हरी मिर्ची को काट के लिया है, बहुत फाइनली चॉप किया है, एक पाव लिया है जिसको मैंने पानी में भिगो के रखा था, इसको आप निचोड़ के लेंगे। पाव को पानी में से निचोड़ के लिया है और इसमें मिक्स कर दिया है। अभी सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से इसको सब मिक्स करना है और इसको मैरिनेट करेंगे एक घंटे के लिए। इसमें पिंच ऑफ सोडा डाला है जो टेंडराइजर का काम करेगा और खीमा जल्दी बहुत जल्दी टेंडर हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको ढक के हम एक घंटे के लिए साइड में रख लेते हैं। जब तक खीमा मैरिनेट हो रहा है तब तक हम इसकी चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने कोथमीर लिया है, थोड़ा पुदीना लिया है, तीन हरी मिर्ची ली है, एक टेबलस्पून मैंने दही लिया है, एक छोटे पाव की स्लाइस को मैंने पानी में भिगा के रखा था और इसको मैंने निचोड़ के लिया है। इससे थोड़ा चटनी में थिकनेस आएगा और स्वादानुसार नमक डालेंगे और ये सारी चीज़ों को हम मिक्सचर में पीस लेते हैं। एक घंटा हो गया है, देख सकते हैं एकदम अच्छे से मैरिनेट हो गया है खीमा। अब इसको हम अच्छे से फिर एक बार मिक्स करेंगे और अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। मैंने हाथ में थोड़ा सा तेल लगाया है, हाथ को थोड़ा सा ग्रीस किया है। अब इसको खीमा हम लेते हैं और इसकी एक कबाब बनाते हैं। पहले थोड़ा राउंड करेंगे, फिर इसको हाथ से दबाते हुए थोड़ा इसको फ्लैट करेंगे। कबाब की साइज अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं और इसको इसी तरह से हम सारे कबाब को बनाते जाते हैं। एक और बता देती हूँ,
हाथ से इसको थोड़ा पतला करेंगे और कबाब का शेप देंगे इसको। इसी तरह से हम सारे कबाब बना लेते हैं। हमने सारी टिकिया इस तरह से बना ली है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। मैंने तवे को मीडियम हीट पे गरम किया है और हम एक एक टिक्की इसमें रखते जाएंगे। इसको स्लो गैस पे तलना है, फास्ट गैस पे नहीं तलेंगे। मैंने अभी इसमें चार टिक्की डाली हूँ। तो मीडियम गैस पे पहले एक साइड पे ब्राउन होने देते हैं। मैंने इस कबाब को फ्राई करने के लिए लोखन का तवा लिया है। अगर लोखन का तवा नहीं है तो इसको फ्राई पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। इतना ब्राउन कलर होना चाहिए। अब ये एक साइड ब्राउन हो गया है तो हम इसको तवे के कॉर्नर पे रख लेते हैं। इससे क्या होगा कि एक्सेस ऑयल जो है वो भी निकल जाएगा और कबाब हमारे स्लो गैस पे अच्छे से फ्राई होते जाएंगे। हमारे चारों कबाब एक साइड से ब्राउन हो गए थे, इसके लिए मैंने उसको पलटा के तवे के कॉर्नर पे रख दिया है। अब हम उसमें दूसरे कबाब डालेंगे। हमारे सारे कबाब तल के हो गए हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। सबसे पहले पाव को मैंने बीच में से हाफ कट कर लिया है। उसमें हम ये जो हमने चटनी बनाई है वो डालते हैं। चटनी को अच्छे से फैला लेते हैं। चटनी अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालें, कम पसंद है तो कम डालें। मैं एक पाव के साथ दो कबाब पसंद करती हूँ तो मैं दो कबाब रखूँगी। थोड़े से पुदीने के पत्ते डालेंगे, इसके ऊपर अनियन रिंग्स रखेंगे। और थोड़ा सा नींबू का जूस। ये लीजिए, हमारे कबाब पाव बनके तैयार हो गए हैं। आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दें, अपने दोस्तों में मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।